हेलो एवरीवन, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का थर्ड डे है। आज हमें सीखना है एक्सक्लेमेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सक्लेमेशन क्या है। एक्सक्लेमेशन होते हैं भावबोधक, मीन्स जो हमारे मन के भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेशंस। तो जिसमें अगर हम बहुत किस चीज़ से हैरान हो रहे हैं, सरप्राइज हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, जो भी हमें प्रकट करना हो, उसे एक्सप्रेस करना हो, तो हम इन एक्सक्लेमेशंस का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की तारीफ़ करनी हो, जैसे कि हमें कहना हो वाह वाह, तो हम कह सकते हैं मार्वलस। व्हाट वी विल से? मार्वलस। किसी चीज़ को शाबाशी देनी है किसी को, तो हम कहेंगे वेल डन, मीन्स आपने अच्छा किया, वेल डन। कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है तो हम कहेंगे, हिंदी में कहते हैं अति सुंदर या बहुत खूबसूरत है, तो हम कहेंगे ब्यूटीफुल। अरे, अरे को हम कहते हैं हे। वाह, वाह होता है वाओ। हे राम, तो ओ गॉड या माय गॉड। कोई बहुत ही मीन्स किसी को ये कहना है कि आपने तो कमाल कर दिया, या बहुत ही सरप्राइज होना है किसी के काम से, तो हम कहेंगे वंडरफुल। ऐसी कोई चीज़ जैसे कि जिसमें हमें कहना है बेशक, मतलब कि कोई डाउट नहीं है, तो हम कहेंगे उस पर ऑफ कोर्स। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि क्या मैं आपकी ये चीज़ ले सकता हूँ, अगर आपने आपसे किसी ने मांगा, जैसे किसी ने आपसे पेन मांगा, प्लीज़ गिव मी योर पेन, या कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स, यानी कि हाँ बेशक आप ले सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन टेक। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना हो तो हम कहेंगे थैंक गॉड, यानी कि हमारा कोई काम हो गया तो हम कहेंगे थैंक गॉड मेरा ये काम हो गया, ईश्वर की कृपा से, तो हम कहेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। क्या कहेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस। किसी को हमें दुआ देनी हो, जैसे कि खुदा आपको बरकत दे, तो हम कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। जैसे कि किसी ने आपकी कोई हेल्प की, आपको उससे कहना है कुछ कि आपको इसके बदले में अल्लाह ताला से या भगवान से या खुदा से बरकत मिले, तो आप कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी तो हम कहेंगे सेम टू यू। बहुत बढ़िया, किसी को कोई किसी ने कुछ काम किया आपको उसके लिए उसकी तारीफ़ करनी है, बहुत बढ़िया, तो आप कहेंगे एक्सीलेंट। व्हाट विल यू से? एक्सीलेंट। कोई बहुत ही दुख का समाचार है, दुख की कोई सैड न्यूज़ है, तो हम कहेंगे हाउ सैड, हाउ सैड। इसी की जगह अगर खुशी की बात रहेगी तो हम कहेंगे दैट्स ए गुड न्यूज़, दैट इज़ ए गुड न्यूज़, या दैट्स ए गुड न्यूज़, दोनों एक ही चीज़ है। अगर कोई किसी चीज़ में जीत गया है, उसकी विजय हुई है, तो हम कहेंगे व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, मीन्स कितनी बड़ी विजय है, कितनी बड़ी जीत है। प्रभु मेरे, अगर हमें आश्चर्य में कहना है, सरप्राइज होकर कहना है, तो हम कहेंगे गुड हेवेंस। किसी को बुलाना है तो हम कहेंगे हेलो लिसन, या फिर हम कह सकते हैं हेलो एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले एक्सक्यूज़ मी का यूज़, तो हम एक्सक्यूज़ मी भी कह सकते हैं, हेलो लिसन, ये मैं सुनिए हमें, हेलो लिसन। किस चीज़ को जल्दी करने के लिए कहना होगा कि जल्दी करिए, फटाफट करिए, तो हम कहेंगे हरी अप प्लीज़। हरी अप मीन्स जल्दी करना, हरी अप प्लीज़ भी कहेंगे साथ में। अगर सिर्फ हम कहेंगे हरी अप मीन्स ये एक ऑर्डर लगता है, लेकिन हाँ कहेंगे हरी अप प्लीज़। कोई बुरी बात है तो हम कहेंगे हाउ टेरिबल, क्या कहेंगे हम? हाउ टेरिबल। कोई अपमानजनक बात है तो हम कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल, इस कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। और कोई बहुत ही बेतुकी बात होगी जिसका कोई तुक नहीं है, फजूल सी बात है, तो हम कहेंगे एब्जर्ड, उसको कहते हैं एब्जर्ड। ठीक है, एब्जर्ड, हाउ एब्जर्ड। किसी को कहना है उसकी इतनी हिम्मत या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हम बोलेंगे हाउ डेयर ही। अगर हमें कहना है उसकी इतनी हिम्मत, तो हम कहेंगे हाउ डेयर ही। और अगर हमें कहना होगा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हम कहेंगे हाउ डेयर यू। किसी चीज़ की तारीफ़ करनी, हाउ स्वीट, क्या खूब। कोई चीज़ बहुत आपको अच्छी लग रही है, तो हाउ लवली। अगर ये किसी को कहना है, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, किसी ने कोई गलत बात कही, आपको ये कहना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने ये बात कही, तो हम कहेंगे हाउ डेयर यू से दैट। या अगर किसी और के बारे में कहना है, तो हाउ डेयर ही से दैट। प्यारे, तो हम कहेंगे ओ डियर, जल्दी चलो, तो वही हरी अप।
किसी को चुप कराना हो तो आप कहेंगे प्लीज़ क्वाइट, या क्वाइट प्लीज़, या प्लीज़ कीप क्वाइट, ठीक है। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़। किसी चीज़ को कहना है सचमुच तो हम कहेंगे रियली। कहते हैं ना हम लोग कोई बात कोई कहते हैं, कहते हैं सच्ची, यानी सच में, तो इसकी जगह कहेंगे रियली, सच, तो वो कहेगा इज इट। धन्यवाद का हम बता चुके हैं थैंक्स होता है या थैंक यू, आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख शुक्र भी अभी ये वर्ड आया था सेंटेंस, थैंक गॉड। किसी को हमें कहना है कि ये दिन बार बार आए, जैसे कि हम किसी का बर्थडे आता है तो हम ये चीज़ कहते हैं, ऐसे विश करते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मीन्स ये दिन बार बार आए। हाँ मैंने मैच जीत लिया, या मैं जीत गया, हुर्रे आई वॉन, आई हैव वॉन, या हम कह सकते हैं आई हैव वॉन। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो हम कहेंगे फॉर योर गुड हेल्थ। किसी को बधाई देनी हो तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई बहुत ही बेतुकी सी बात है तो हम कहेंगे व्हाट नॉनसेंस। कोई शर्म की बात है तो हम कहेंगे व्हाट ए शेम, शेम मीन्स होता है शर्म। कोई अफसोस की बात है, दुख की बात है तो हाउ ट्रेजिक, कितना सुखद आश्चर्य, तो हम कहेंगे व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। कोई अगर किसी को सरप्राइज दे रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम कहेंगे व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। कोई आश्चर्यजनक चीज़ होगी तो वंडरफुल। खबरदार, ये हो चुका है दोनों, फिर ये था खबरदार, तो बी अवेयर मीन्स अलर्ट रहो, बी अवेयर, किस चीज़ को आपको आगाह करना है तो आप कहेंगे बी अवेयर। फिर ये सब जो सेंटेंस है ये हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वही रिपीट हुआ है। और अगर हाँ अगर किसी को किसी चीज़ से ध्यान कहना है कि ध्यान से या संभल कर, तो हम कहेंगे वॉच आउट मीन्स ध्यान से, कहीं नज़र ना लगे तो हम कहेंगे टच वुड। और अगर कोई ऐसी चीज़ हमें कहना है कि अब चाहे जो भी हो, तो हम कहेंगे कम व्हाट में। तो हमारा आज का ये वीडियो था जिसमें हमने आज पढ़ा एक्सक्लेमेशन, अब हमें इसे लर्न कर लेना है और अपने डेली के कन्वर्सेशन में इसे ऐड करना है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ डे जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेसेस, यानी छोटे छोटे जो वाक्यांश होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने एक्सक्लेमेशंस की और जो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है। थैंक यू।